मॉर्निंग। तो अभी हम और राघव जा रहे हैं स्कूल। हम राघव को छोड़ करके वापस आ जाएंगे और राघव वहाँ पर पढ़ाई करके जल्दी से वापस आएगा ना। बाय बोल दो। बाय बाय। मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो सिद्धि को थोड़ा ज़्यादा जल्दी पहुँच रहा था, तो सिद्धि थोड़ा पहले निकल चुकी है। हम और राघव थोड़ा पीछे से जा रहे हैं। तो राघव अपने सिद्धि अपने पापा के साथ पहले निकल गई है, फिर अभी जा रहे हैं हम और राघव थोड़ा रुक करके। तो आज ना सडनली फिर से जो मौसम है उसने फिर से करवट ले ली है। आज फिर झमाझम बारिश, मतलब दोपहर से ही शुरू हो गई है 12-1 बजे से, और कंटिन्यू बारिश हुई। और ये बारिश हुई ना, मतलब शाम तक तो काफ़ी तेज हुई, उसके बाद रुक रुक कर ना फिर होती रही, मतलब एकदम से अचानक से मानसून आ गया। और ऐसा लगा ना कि गर्मी तो ख़त्म ही हो गई, क्योंकि ना फैन वैन बंद करके हम लोग बैठ गए आराम से और ठंडा ठंडा सा लगने लगा। एक्चुअली टॉप फ्लोर पर है ना, और विंडो बालकनी ये सारी चीज़ें, मतलब इतना होने के, यार आप यकीन नहीं करोगे ना, हमारे एक रूम में 4 डोर है और 4 विंडो है। अब सोचो जरा, इतना अगर सब कुछ खुला रहेगा तो मतलब हवाएं कितनी मतलब ज़ोर से आएंगी। तो सारी हवाएं मतलब आ रही थी ना, मतलब तो मौसम जब ठंडा हो गया था, हम तो कह रहे थे कि लग रहा है कुछ ब्लैंकेट वगैरह निकाल के लाना पड़ेगा। देखो, और मेरे घर से ना हाईवे दिखता है, हाईवे भी है, वो बाहर है, डिस्ट्रॉय है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब लोकेशन वाइज सब कुछ आपको आसपास मिलेगा, स्कूल आपको आसपास मिल जाएगा सारी चीज़ें। हाँ, लेकिन ये ऊपर टॉप फ्लोर पे रहने का ना एक बड़ा ही मस्त ये मतलब फ़ायदा है जो कि मुझे मिल रहा है। तो बस ये है। और बारिश ना देख करके ऐसा अचानक से मौसम जो बदला है ना, कि मन एकदम खुश हो गया। और फिर उसके बाद क्या ही बताएं, क्या ही किया मैंने, आपको आगे तो पता ही चलेगा। तो आज जैसा कि मैंने आपको दिखाया ना कि आज मौसम जो है फिर से एकदम मस्त बारिश वाला हो गया है। तो बारिश के मौसम में क्या चीज़ ऐसी है कि जो मतलब ना खाओ तो पाप चढ़ता है, पता है? कमेंट बॉक्स में बताना जिसको जिसको पता है। तो हम बना रहे हैं यहाँ पर पकौड़े। पकौड़े बनाने के लिए ना मैंने आलू को ना लच्छे जैसा घिस लिया है। किसी किसी को तो एकदम आइडिया लग गया होगा कि क्या चीज़ है जिसको बारिश के मौसम में ना खाओ तो पाप लगता है। तो बस हम बना रहे हैं पकौड़े, और वो भी गर्म गर्म तेल में उसकी प्रिपरेशन चल रही है। आलू लच्छे वाले, बेसन, थोड़े से मसाले, नमक, मसालों में ज़्यादा कुछ नहीं, धनिया है, नमक है, और थोड़ी सी क्या चाट मसाला डाला है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और आज सुबह से है मेरी तबीयत ख़राब, थोड़ा सा जुकाम, थोड़ा सा फीवर, बॉडी पेन, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बट लेकिन बारिश हुई तो उसके बाद मन कहा कि ऐसा खाया जाए। आज सुबह से ज़्यादा कुछ ब्लॉगिंग नहीं हुई, ज़्यादा कोई वीडियो नहीं शूट हुआ, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी ना, तो बस लेटे ही थे। आज बच्चों को स्कूल से घर लाने पहुंचाने का काम भी हस्बैंड ने किया। तो बस हम अभी जो है उठे किसी तरह से हिम्मत करके, क्योंकि मेरा ही बहुत तेज़ से मन कर रहा था पकौड़े खाने का। तो बस हम चले आए हैं किचन में पकौड़े बनाने के लिए। अभी पीछे देख रहे हो सारे बर्तन वगैरह सब पड़े हैं, उन्हें भी क्लीन करने, तो सारी चीज़ें भी होंगी। लेकिन सबसे पहले तो हम खा लेते हैं चाय के साथ पकौड़े, क्योंकि चाय पीने का टाइम हो रहा है। तो चाय के साथ हो जाएंगे पकौड़े, फिर बस शाम रंगीन हो जाएगी। बाहर का मौसम दिखाते हैं आपको, बहुत ही अच्छा, मतलब एकदम से मस्त हवाएं चल रही हैं। हवाएं तो ऐसे चल रही है ना कि मुझे तो ठंडक लग रही है। भाई पकौड़े तो हम बना रहे हैं, पर चटनी बनाने में हम थोड़ा सा ढीले हैं, मेरा चटनी बनाने का मन नहीं करता है ना। तो अभी पतिदेव से चल करके थोड़ी सी करनी पड़ेगी हमें सिफारिश कि पकौड़े हम बना रहे हैं तो प्लीज़ चटनी वगैरह यार बना दो। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है, या फिर हम ही को घिसना है। यहाँ पर एक बच्चा मेरा सो रहा है, पूरी अच्छे से पूरी नींद ले रहा है, और यहाँ पर ये देखो चल रहा है अपना खुद का ही काम। तो अभी इसमें कैसे कह दें कि मेरे काम करने हैं। हम पकौड़े बना रहे हैं, चटनी आपको बनानी है, थोड़ा सा काम को ब्रेक देना पड़ेगा। नॉट पॉसिबल। तो रिस्पॉन्स कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है मुझे, या रिस्पॉन्स कुछ अच्छा मिला नहीं, तो फिर बाहर का साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो शायद आपको वीडियो में डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। क्योंकि रोड पे अगर आपका घर है ना, तो ये सारी चीज़ें तो आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो रिस्पॉन्स कुछ भी अच्छा नहीं मिला, तो आधे घंटे के बाद फ्री होंगे, आधे घंटे में मेरे सारे पकौड़े जो है वो बन जाएंगे, तो इसलिए चटनी फिर अब हम ही बनाते हैं। पकौड़े मैंने बना लिए हैं, अब बनानी है मुझको चटनी, और आइए आपको किसी से मिलवाते हैं। ये क्या है? ये मैंने दो छाते से अपने लिए छोटा सा घर बनाया है। ये इसमें मैं हॉलीडे में तो सुबह से लेकर शाम तक रहूंगी, और बाकी टाइम
तो दोपहर से लेकर शाम तक। और ये आपको पता है ये वाटरप्रूफ भी है। देखो वाटरप्रूफ है वो, जो है पानी डाल के ऐसे अम्ब्रेले पे ये ऐसे देखा जा रहा है, तो वो तो उसका तो वही काम ही है, तो वो पानी अंदर थोड़ा लेकर आएगा। तो ये बना हुआ है छोटा सा हाउस, और भाई अभी इनका सो रहा है इसलिए ये सुकून से यहाँ पर है, नहीं तो फिर वो ना इधर से उधर कर देता। क्या कर देता? सिद्धी की लैंग्वेज में तहस और नहस कर देता। क्या करता एक बार बोल के दिखाओ। तहस नहस कर देता पूरा घर। और यहाँ पे आपको पता है अभी ये इतना नहीं और भी बड़ा है, ये इधर पूरा ओपन हो जाता है, ये इधर ओपन हो जाता है, और ये डोर ये काफ़ी बड़े में खुलता है। तो ये बालकनी मुझे ना यहाँ फ्लैट में ये बालकनी वगैरह का सिस्टम बहुत अच्छा लगा। ये देखिए यहाँ पे पानी डाल के हम लोग छप 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 खेल सकते हैं। और ये मेरा टूटा फूटा खेलने वाला फोन है, इसमें अभी और एक चिपकाना बच्चा भी है। चलो और ये कपड़ों के हिलने डुलने से आप जान सकते हो ना कितना हवा है। हमारी पकौड़ी और किस बर्तन में रखा है ना उस पर मत जाइएगा, क्योंकि आज सुबह से हम बीमार थे ना, बर्तन मेरे साफ नहीं थे, ऐसी कंडीशन हो गई थी कि एक भी प्लेट साफ नहीं है। घर की हालत देख रहे हैं ना, चेयर वगैरह पर हटेगा कुछ, कोई ना कोई कपड़ा है जो बालकनी में फैले थे ना जब बारिश स्टार्ट हुई, तो वो कपड़े ना ऐसे से ला करके जो जहाँ पाया ना वहीं पर रख दिया है। तो अभी इसको खाने पीने के बाद थोड़ी एनर्जी आएगी, फिर उठेंगे, फिर क्लीनिंग करेंगे। और ये है मेरी चटनी टमाटर लहसुन मिर्ची की, एकदम मस्त चटनी बनाई है। बॉटल से ही पानी पी रही है, ऐसा अलाउ नहीं है मेरे यहाँ। और यहाँ पर राघव सो गया पकौड़ी देख करके, बस अभी चलते हैं पकौड़ी खाते हैं, चाय बनाते हैं। चाय की जिम्मेदारी दे दी है हस्बैंड को, मैंने कहा चटनी तक तो फ्री हुए नहीं थे ना, चाय के टाइम पे फ्री हो गए। और टाइमिंग ऐसी थी ना उनके फ्री होने की कि गलत टाइम पे फ्री हुए, जैसे ही फ्री हुए मैंने कहा चाय छान लो, और देखो बेचारे फंस गए। तो आप तो जानते ही हैं मतलब कि अगर किसी से काम कराना हो ना, अगर वो नहीं काम किया है तो कुछ ना कुछ काम करके उसको फंसाना ही पड़ता है। तो बस वही काम किया मैंने, चाय रख दी थी मैंने, मैंने कहा छान नहीं लाओ कोई, कोई तो काम कर दो। यहाँ पर खड़ी धनिया है और अजवाइन है, इसको रात भर के लिए सोक करके रखना है हमको, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है थायराइड में ना इसे रात भर सोक करके रखो, सुबह थोड़ा सा बॉईल करके फिर उसके बाद इसको पियो ना यही पानी खाली पेट, तो थायराइड इससे कंट्रोल में होता है। तो इस बार मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तो आयुर्वेदिक में दिखाया है, तो इस बार ना एलोपैथिक वगैरह कुछ भी नहीं दिखाया, आयुर्वेदिक में दिखाया है, तो वहाँ पर ये बताया हुआ है। और हाँ जब से दवा खा रहे हैं तो थोड़ा तो रिलीफ है, खाली पेट उसे पीते हैं, और बाकी मेरी एक झोला भर करके दवा है जो नाश्ते के बाद खाने के बाद वो सारी चीज़ें चलती हैं। तो रात का डिनर हम लोगों का जो है वो बंद है, लेकिन आज पकौड़े खाने के बाद ना ऐसा मन हुआ कि थोड़ा सा, तो ऐसा ना पकौड़े खाने के बाद थोड़ा सा ऐसा मन हुआ कि कुछ खाते, तो ऐसा ना पुलाव टाइप का बना लिया था थोड़ा सा, एक एक छोटी छोटी से बाउल में। और बाकी तो डॉक्टर ने बोला है कि शाम के 6:30 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, लेकिन ना वो हम लोग की आदत जो है बिना खाए कैसे सोएं, बिना मतलब सोने से पहले कुछ खाना चाहिए, तो अभी वो रूटीन भी नहीं आ पा रहा है कि 6:30 बजे के बाद एकदम मुँह बंद कर लेना है। 2-3 दिन चला था वो, कंटिन्यू था 2-3 दिन, लेकिन फिर ऐसा लगने लगा ना कि खा लेना चाहिए, क्योंकि मतलब 2-3 दिनों की मतलब 2-3 दिन हम ऐसा 6:30 बजे ही बंद कर दिए थे ना, फिर जब मॉर्निंग में उठे तो मुझे इतनी जोरों की भूख लग जाती थी ना, फिर मैंने सोचा कि रात में कुछ खा के सोएंगे भले वो 2-3 स्पून ही क्यों ना हो। ये है वो मेरी ना झोला भर करके दवा है, जिसमें सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद, शाम नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद, मतलब सारी दवाइयाँ हैं ये एक झोला भर करके दवा है। तो बस अभी अब उसको खाएंगे और फिर हो जाएगा सोने का टाइम। तो बस आज के ब्लॉग में इतना है, मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने जानने वालों के साथ शेयर भी करना। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बाय।